नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मुख्यमंत्री से सम्मान प्राप्त कर पहुंचे शिक्षक हरनंदन प्रसाद का हुआ जोरदार स्वागत। मुरादाबाद शिक्षक दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त कर लौटे मुरादाबाद जनपद के आदर्श शिक्षक डॉक्टर हरनंदन प्रसाद का मुरादाबाद आगमन पर मुरादाबाद के सैकड़ों शिक्षकों द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र अम्बेडकर पार्क में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरनंदन प्रसाद ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी शिक्षकों को यह आदेश दिया कि शिक्षक अपने दायित्वों का पालन ईमानदारी से करते हुए नवाचारों के माध्यम से अगर शिक्षण कार्य करें तो वैसे शिक्षा के प्रति समाज की नकारात्मक छवि को बदलकर समाज में वैसी शिक्षा के खोए हुए गौरव को पुनः वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर हरनंदन प्रसाद सर, आज मीटिंग का आयोजन नहीं है। मैं प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर नंगली विकासखंड मुन्ना पांडे में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और आज शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस है। इसे पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक की एक गरिमा और सम्मान है। इसी सम्मान में जनपद मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश में 49 शिक्षकों का चयन राज्य पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। उसमें जनपद मुरादाबाद के मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा कल 4 सितंबर और पूर्व संध्या पर शिक्षक दिवस की सम्मानित किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मानित किया गया। आज मैं वहां से जब लौटा तो आज जनपद के सैकड़ों शिक्षकों ने अंबेडकर पार्क में एकत्र होकर मेरा सम्मान और स्वागत किया और मेरा हौसले को बढ़ाने का काम किया। संदेश ये कि शिक्षक अपने अगर दायित्व को मन लगाकर पूरा करें और अपना जो उनका कार्य है, क्योंकि असली कार्य हमारा शिक्षण है। बच्चा, हम शिक्षक एक राष्ट्र के निर्माताओं का भी निर्माता है। अगर शिक्षक चाहें तो इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। तो हम शिक्षकों से यही मेरा उद्देश्य है कि अपना अगर कार्य मन लगाकर करेंगे तो हम अपने जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों को मात देने के लिए सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। सरकार उद्देश्यों को लेकर आगे चल रही है। शिक्षा की गुणवत्ता पर, शिक्षा पर इतना रुपया खर्च हो रहा है, उसके बाद अभी तक जो समाज में बेसिक शिक्षा की जो लोगों में नकारात्मक छवि बनी हुई है उसको सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षक कार्य करें और तो अच्छे परिणाम आएंगे। मुरादाबाद से सलमान खान की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए